हेलो बच्चों, आज का जो पीरियड है हमारा जो है जीएस को लेकर है, ज्योग्राफी और भूगोल को लेकर है। तो उसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं ऐसे एक सदी खींच लेता हूँ तो मैंने पृथ्वी को दर्शाया है, अर्थ को दर्शाया है, और इसमें पूरी पृथ्वी को आंकड़ों में दर्शाने के लिए दो तरह की लाइन्स होती हैं। कुछ लाइन्स तो होती हैं ऐसे जो पैरेलल होती हैं, और कुछ लाइंस होती हैं इस तरह से जो लगभग परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक, तो अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन खींचता हूँ इस तरह से, तो इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। तो 0 डिग्री कैसे? ऊपर की तरफ भी इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ तक आते आते ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री में क्या होते हैं? हमारे पोल होते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ये जो होता है कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल होता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं हिंदी में। ऐसे नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा, जिसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो 0 डिग्री से इधर भी इंक्रीमेंट होगा और इधर भी इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी? लैटिट्यूड में। ठीक, तो इसी तरह से कुछ रेखाएं इस तरह से होती हैं, ऐसे पैरेलल तो नहीं होती, लगभग मैंने एक सिंपल बताया कि इस तरह से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ लाइन होगी, तो उन्हें जो हम बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं देशांतर। नाम से पता चल रहा है, देशों में अंतर, डिफरेंस इन कंट्रीज, देशांतर। इंग्लिश में बोला जाता है लोंगिट्यूड। ठीक, तो कुछ लाइन ऐसे होती हैं। अभी तो 0 डिग्री है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये 0 डिग्री है, इसे जो पृथ्वी है इसके दो भाग हो जाते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जिसे इंग्लिश में मेडिटेरियन लाइन कह दिया जाता है, इसे ही इक्वेटर कह दिया जाता है। ये 0 डिग्री है, इसे ही इक्वेटर कह दिया जाता है, और इसे कह दिया जाता है भूमध्य रेखा, डेट मीन्स मेडिटेरियन लाइन। भूमध्य रेखा को मेडिटेरियन लाइन बोला जाता है, और इक्वेटर है इसे ही इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद जब हम इसे ऊपर जाएंगे, यानी कि नॉर्थ की तरफ चलेंगे, तो मान लिया मैंने एक लाइन ऐसे खींच ली आपको समझाने के लिए, तो जो इसके मेजरमेंट है वो होता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री एन लिखना पड़ेगा, एन का मतलब नॉर्थ की तरफ, 23.5 नॉर्थ। तो ये जो लैटिट्यूड आता है, ये जो अक्षांश रेखा आती है, इस अक्षांश रेखा का नाम होता है, इधर ही देते हैं, ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शॉर्ट फॉर्म में TOC लिख देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ताकि बार बार इतना बड़ा लिखना ना पड़े। इसी तरह से अगर मान लिया नीचे आते हैं, ऐसी एक लाइन खींच लेते हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर दिए 23.5 डिग्री को ही। ये 23.5 डिग्री क्या होता है? साउथ होता है। ये नॉर्थ की तरफ है तो एन लिख दिया, ये साउथ यानी दक्षिण की तरफ है तो एस लिख दिया। ये जो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो ये साउथ होता है, इसे कहते हैं बच्चों मकर रेखा। इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और शॉर्ट फॉर्म में इसे TOC लिखा जाएगा। तो TOC जो है दोनों के लिए रिप्रेजेंट होता है, बाकी यहाँ पे CA लिख देते हैं, CP लिख दीजिए, क्योंकि CA भी दोनों में आएगा, बाकी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। बाकी बुक्स वगैरह में जहाँ भी TOC लिखा रहा है या TOCP लिखा रहा है, तो समझ जाना कि एक टॉपिक ऑफ कैंसर है, एक टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। उसके बाद एक लाइन बोल लेते हैं यहाँ पे, लगभग यहाँ पे लिया, और इसका जो लैटिट्यूड है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये जो लैटिट्यूड है, ये होता है आपका आर्कटिक विरथ।
आठवीं सर्किट। इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो ये फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ होता है, 66.5 डिग्री साउथ, और ये होता है आर्कटिक वेयर, सॉरी अंटार्कटिक वेयर। अंटार्कटिक सर्किल कह देते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी जो है इस तरह से डिवाइड है इन चार रेखाओं में। इससे अलावा जब हम आगे चलेंगे तो जो है टेम्परेचर के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा या घटेगा, तो उस जोन को किस नाम से जाना जाता है। इसी तरह से प्रेशर बेल्ट होती है कि प्रेशर के हिसाब से कुछ बेल्ट बनती है, उनके अंदर उनके नाम क्या होंगे वह आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।